2024 के चुनाव को लेकर बांदा के छात्र छात्राएं क्या सोचती हैं उसको जानने के लिए इस वक्त न्यूज 18 टीम यहां मौजूद। आप देख सकते हैं सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कोई ग्रेजुएशन में, कोई किसी फर्स्ट सेकंड ईयर का, कोई फर्स्ट ईयर का, ऐसे में देख सकते हैं कि सब लोग यहां मौजूद हैं। और वोट कास्ट इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और अपने वोट कास्ट करेंगे। मैम, अगर आपसे बात की जाए तो कैसे देख रही हैं चुनाव, कैसे देख रही हैं, क्या चेंजेस आई हैं, पहले बताइए, कुछ चेंज आया है यहाँ? यस, चेंज आया है, मतलब सारे काम हो रहे हैं और मेरे अनुसार सबको वोट देनी चाहिए जी। मतलब क्योंकि मैं तो कर चुकी हूँ एक बार वोट। हाँ। और मेरे हिसाब से सबको वोट देना चाहिए। क्या क्या सोचता है यूथ वोटर इस इलेक्शन को लेकर? मैम, यही सोचता है कि जो अगला प्रत्याशी आए तो अच्छा से अच्छा काम करे और शिक्षा के प्रति अच्छा कार्य करे और अपने मतलब सभी बच्चों को और स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करे और सभी जगह जो सड़कें हैं नहीं बनी हैं उनका निर्माण कराएं, जो बच्चे शिक्षा में पीछे हैं, जो कचरा डालते हैं प्लास्टिक वगैरह का, तो उनके लिए भी उनके बारे में सोचें। हाँ, अच्छा मैम, जैसे जब एक्सप्रेस हाईवे बना उससे कुछ फायदा हुआ, यूथ को फायदा हुआ, कुछ चेंजेस आई दिखी आपको? हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है, जैसे कि मतलब काफी सारा विकास हो रहा है वहाँ पास आस पास के, मतलब लोगों को कार मिल रहे हैं, थोड़ा जैसे दुकानें पाने हैं, रोजगार मिल रहा है सभी लोगों को। चलिए, मैं आप तक आना चाहता हूँ सर। इस इलेक्शन में बांदा के यूथ क्या सोचते हैं? सर, ये सोचती कि मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है, बच्चों को हर सब बच्चों को स्कॉलर भी इस वर्ष आया है अच्छे से, मतलब लगभग 8-9 हजार स्कॉलर आया है। और इलेक्शन जो है मतलब मतदान करना हमारा सब लोगों का अधिकार है, इसलिए सभी बच्चों को, सभी मतलब जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें माता हैं, सभी लोगों को वोट देना चाहिए क्योंकि उनका अधिकार है। अच्छा सर, चुनाव की सरगर्मियों को समझ आ रही है, जैसे तापमान बढ़ रहा है, चुनाव का भी पारा हाई हो रहा है कि नहीं? जी, हो रहा है। अच्छा, आप चल रहा है लोगों का? जी सर, जी सर, अपने अपने तरीके से सभी लोगों का वादा करते हैं। अच्छा, सभी लोग विकास की दृष्टि से देखा जाए जो अभी समय वर्तमान में सही चल रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ चित्रकूट में एक्सप्रेस नहीं थी पहले, तो अब हो गई, तो उससे उद्योग हो गया, उद्योग धंधों में अधिक बेरोजगारी जो थी वो कम हो गई है। अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो फिर काफी विकास हुआ है, जो कि मतलब पहले नहीं थी वो अब विकास हुआ विकास है। जी सर, मैम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मुख्य मुद्दे हैं यूथ के, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या चीजें हैं जो अधूरी हैं, क्या चीजें अभी तक हुई हैं? अभी तक हमको फोन नहीं मिले, सबको फोन मिले हैं, सबको फोन मिले। मैम ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कुछ सुधरा है इतने समय, जैसे पहले छेड़छाड़ थी, घटनाओं पर अंकुश लगा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत लगा है, काफी लगा है। और ऐसे अगर अच्छे हम चुनेंगे तो फिर लगेगा। हाँ, अब लाइब्रेरी भी जाने लगे हैं। हाँ, कुछ बहुत चेंज दिखा। अच्छा मैम, अब तो सवाल आपसे लेंगे, कुछ चेंज हुआ, बेटियाँ निडर होकर निकल सकती हैं कि नहीं? ये सर, निकल सकती हैं। पहले बहुत ज्यादा लड़कियों का मतलब ये था कि बाहर नहीं जाओ क्योंकि वो सुरक्षित ही नहीं थी, और अब आने वाली सरकारों के अकॉर्डिंग मतलब काफी मतलब लड़कियों को वो मिल रहा है। आ सकती है? यस, आ सकती है। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं बेटियों के क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए या क्या चीज सुधार आपको दिखा मैम? जी सर, मतलब कि बेटियों काफी चेंज है, जो घर में मतलब उनको पढ़ाई शिक्षा के लिए योग्यता नहीं दी जाती थी, अब उनको पहले से काफी शिक्षाएं दी जा रही हैं, इसलिए अभी वो निकल भी सकती है, आगे चल के मतलब सक्सेस हो सकती है। आज फिर लड़कियां मतलब आगे ही चल रही हैं, आगे चल रही हैं। चलिए मैम, आपसे जानना चाहते हैं, आपका वोट है, पहली बार कास्ट करेंगी? ना सर, दूसरी बार। पहले से दूसरी बार में क्या फर्क समझ आ रहा है आपके इस बांदा जनपद में, क्या फर्क, चेंजेस आ रहे हैं? यस सर। क्या चेंजेस? सर, इससे ये चेंजेस आ रहे हैं कि हर जगह पर आजकल लड़कियों की भागीदारी देखने को मिल रही है, और सर कोई भी उन्हें वो नहीं है ज्यादा। अच्छा सर, चलिए, अच्छा ये बताइए, आप वोट कास्ट करेंगी? यस सर। पहले जोर से बोलिए। यस सर। और सबसे कहेंगी वोट कास्ट करने को? यस सर। चलिए, पहले अपने लिए जोरदार ताली से बताइए, जितने यहाँ खड़े जितने स्टूडेंट खड़े, ताली की आवाज दूर तक जानी चाहिए कि बांदा के अकोला के बच्चे कहीं पर काम नहीं है। देखिए, शेयर अप करिए अपने लिए, क्या चेंजेस होने चाहिए या क्या चेंजेस आपको दिखे मैम? हमें ये चेंजिंग होने चाहिए, जो गरीबी लोग हैं वो गरीबी से निकलकर थोड़ी शहर लोग आए, और जो जो गांव में जो सुविधा नहीं है वो सरकार वो सुविधा उन्हें उपलब्ध कर सके, और जो जो से बच्चे जो कॉलेज स्कूल नहीं वो उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो उन्हें सब शिक्षा उन्हें सब मिले,
और सब उनके सरकार का सब उनके बदलाव सब करे, बस यही हमारी वो। और ये हम कहना चाहते हैं कि हमारे 3 साल से हमारी स्कॉलरशिप भी नहीं आई और हमें मोबाइल फोन भी नहीं मिला, बस यही हमें वो वह है कि सबको एक जैसे समान। ये वो युवा हैं जो कुछ इसमें से फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करेंगे, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स, इनका कहना है कि स्वरूप बदला है, सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी हुई, एजुकेशन भी अच्छी हुई है। यहाँ के युवा इस बात के संकल्प लिए हैं कि वो वोट कास्ट करेंगे। विजिलेंस संदीप नेगी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 बांदा।